पश्चिम बंगाल में कई इलाके इस समय बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इसी के चलते बाढ़ को लेकर दो सीएम आमने सामने आ गए। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते जल स्तर का आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा दिया है। उनका कहना है कि अगर झारखंड से पानी न छोड़ा जाता तो पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात नहीं बनते। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बुधवार रात से झारखंड सरकार और डीवीसी की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड बंगाल बॉर्डर को पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर 3 दिनों के लिए सील किया गया है। सीएम ममता बनर्जी हाल ही में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गुरुवार को गई थी। अपने इस दौरे के दौरान सीएम ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ का जिम्मेदार दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ठहराया। उन्होंने डीवीसी पर ड्रेजिंग करने में विफल रहने के लिए केंद्र की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों से पानी छोड़ने के चलते बाढ़ आई। गुरुवार की शाम कुल्टी थाना की चौरंगी चौकी की पुलिस और कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की पुलिस झारखंड से बंगाल जाने वाली सभी मालवाहक वाहनों को डिबूटी चेक पोस्ट पर रोककर वापस झारखंड की ओर भेज रही है। इसके चलते झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। No, what's the issue you have been informed? Vehicles are plying from the Delhi side. Vehicles are not plying from the Delhi side, but vehicles are plying from Kolkata side. So there should be restriction, total restriction. Why from one side only? इसमें कहाँ ये हो रहा झारखंड से अपने हम इसमें नहीं कर सकता। I'm very junior officer and I will inform it to the senior officer. I'm very junior officer. रोड में जाम लगी हुई हम लोग क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं कि छोटी गाड़ियों को और जो भी गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत। कब से ऐसे जाम लगा है आप लोग? अभी शाम के 7 बजे से इस तरह का सूचना प्राप्त हुआ है। क्या सूचना आया आप लोग? सूचना ये मिली है कि बड़ी गाड़ियों को बंगाल पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, जिस कारण पुनः वापस करके झारखंड तरफ भेज दिया जा रहा है। कारण के संबंध में अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। जैसा कि पता चल रहा है कि ऊपर से कुछ डायरेक्शन मिला है, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई इस बारे में। बंगाल बॉर्डर सील किया गया, ये तो बंगाल पुलिस ही बता पाएगी। बंगाल बॉर्डर सील तो बात है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि ऊपर से कुछ मैसेज आया है इन लोगों को, ये लोग भी बता रहे हैं, क्लियर करके बताया नहीं है कुछ, ऐसा बताएंगे। अभी तो देख रहे हैं आपकी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही। बंगाल पुलिस से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ऊपर से कुछ डायरेक्शन मिला है इनको कि बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी, छोटी गाड़ियों को हम लोग नहीं रोक रहे हैं। इस बारे में हम लोग अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित किए हैं। ऊपर से जो भी हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी जो गाड़ी जो रिटर्न जा रहा है उधर, फिर आने से फिर उधर रिटर्न जा रहा है, अभी सिचुएशन क्या है उधर का? अभी तो जाम की स्थिति बनी हुई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जाम की स्थिति नहीं बने। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी के इस फैसले से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे हालात बारिश की वजह से नहीं हुए, सिर्फ 4-5 दिन से बारिश हुई थी जिससे हमारा राज्य बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन दूसरे राज्यों से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते।